स्वच्छता का एक मैसेज देना सर आप। संस्थान अध्ययन संस्थान जबलपुर में जहाँ पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों ने प्रशिक्षणार्थियों ने पूरे परिसर की साफ सफाई की है। क्या है स्वच्छता अभियान का उद्देश्य, आइए जानते हैं संस्थान के डॉक्टर एनके सोनकर सर से। सर क्या उद्देश्य रहा आज के इस अभियान का और क्या आगे की योजना है आपकी? ये महाविद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा का निर्माण किया गया है और आज से जो ये हमारा ये ग्रुप है ये लगातार 2 अक्टूबर तक स्वच्छता हमारे महाविद्यालय के परिसर में जो स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जो साफ सफाई है उनकी गतिविधियाँ हैं जो निरंतर कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो उद्देश्य क्या है कि स्वच्छ भारत होगा तभी स्वस्थ भारत ना, उसी की कड़ी में अपने आज श्रमदान स्वच्छता अभियान उसको आपको कर... मन है तभी करो। शिक्षक है, कॉलेज में NSS चलता था, शासन के निर्देश है, मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं और वो सब लोग बड़े बड़े लोग बड़े मंत्री सब वो लड़कियों ने अनर वालों ने बैनर बनाए थे ना वो काम
शासन द्वारा पूरे भारत में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यह पखवाड़ा 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक मनाया जाएगा। इसमें प्रगत शैक्षिक संस्थान, शैक्षिक अध्ययन संस्थान PSM में आज पूरे परिसर की साफ सफाई की गई और सभी BEd और MEd के प्रशिक्षणार्थियों ने मिलकर के इस परिसर की साफ सफाई की एवं स्वच्छता का संदेश दिया। हमारे BEd और MEd के जितने भी भाई बहन हैं सभी ने अपनी ओर से इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और संस्थान को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया है। हम सभी संकल्प ले रहे हैं कि आगे भी इस कार्यक्रम को कार्यक्रम न बना करके एक आदत के रूप में डेवलप करेंगे और विद्यालय महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखेंगे। धन्यवाद। अपना नाम और क्लास बताएं। मैं मनीष कुमार जैन, MEd फर्स्ट सेम।